सचिन अ वेरी हैप्पी बर्थडे. बहुत प्यारा बंदा है, बहुत टैलेंटेड है एंड इंशाल्लाह भाग लगा देगा ये इस साल. और बहुत मेहनती है, बहुत स्वीट है और आई एम श्योर इसका एल्बम भी ये रॉक करने वाला है. एक्चुअली मैं कुछ अली भाई के बारे में बोलना चाहता हूँ. वी आर ग्रोइंग एज अ फ्रेंड राइट नाउ और हमारी बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी बन रही है, काफ़ी अच्छी बन रही है. एंड अबाउट दिस एल्बम, ये मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है. देखो सबके दिल टूटते हैं अली भाई, आपका भी दिल. हर इंसान जो होता है ना वो दिल जला होता है, दिल जला होता है. हमारे दिल जले नहीं, हमारे दिल की राख हो चुकी है एक्चुअली. और वो होना ही चाहिए क्योंकि तब आपको पता चलता है कि जिंदगी में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. थैंक यू सो मच अली भाई, थैंक्स फॉर कमिंग. आई एम ग्रेटफुल आप आए. लव यू मेरी लव. और प्लीज सचिन के गाने को बहुत प्यार देना. आई एम श्योर आप लोग बहुत रिलेट कर पाओगे क्योंकि यार दिल तो आपका भी टूटा है. आर्टिस्ट हम है लेकिन दिल हमारा भी धड़कता है. थैंक यू सो मच. एक्चुअली यस, मुझे सब लोगों ने डांस करते हुए देखा है, बहुत सारे टीवी शोज पे देखा है डांस करते हुए, परफॉर्म करते हुए बड़े बड़े शोज में देखा है. इसमें दो शोज मैं जीता हूँ पर मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस ये था क्योंकि मैंने यहाँ पे अपने कंफर्ट जोन को त्यागा है और कुछ नई शुरुआत करी है. आई होप सब लोगों को पसंद आएगा. ये मेरा हल्का रणबीर कपूर जैसा लुक, बहुत ही एडिल मुश्किल जैसा गाना था, यह वैसा ही गाना है, बहुत दिल टूटा वाला गाना है और मेरे से बहुत क्लोज है. मैं मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेट करता हूँ गाने को. आई होप सब लोगों को ये गाना बहुत कनेक्ट करेगा और बहुत सब इसको प्यार करेगा. बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच.